तो आज फरीदाबाद के दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। जिला कार्यालय अटल कमल में बीजेपी का ध्वज फहराएंगे और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा समेत कई कार्यकर्ता इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए लगातार हमारे साथ। अनिल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, फरीदाबाद भी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और पार्टी दफ्तर में पार्टी का झंडा फहराएंगे। आज 45वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, लिहाजा फरीदाबाद का ये कार्यक्रम भी काफी खास रहने वाला है। अनिल, बिल्कुल देखिए मुमताज, हम यही बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम है। जैसा मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में फरीदाबाद पहुंचेंगे। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर जाएंगे, चाय के कार्यक्रम वहां पर रहेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा समेत जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत जो वरिष्ठ नेता चाहे अजय गोड़ है, वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान जो बीजेपी का पार्टी कार्यालय है, जिला कार्यालय है, वहां पर भी मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी का आज जो है झंडा वो है फहराएंगे, क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडरशिप आज जो बीजेपी का स्थापना दिवस मना रही है, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री फरीदाबाद में पार्टी का झंडा फहराएंगे। जी ठीक है आपने अनिल, तो आज का भी दिन काफी खास रहने वाला है और तमाम स्थानीय नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। अनिल, हाँ बिल्कुल, जैसे जो स्थानीय नेता है वो तमाम लीडरशिप इस दौरान मौजूद रहेंगी। चाहे हम बात करें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री वो मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष में जो तमाम बड़े नेता जिनमें अजय गोड़ है वो भी मौजूद रहेंगे, जो तमाम दूसरे नेता है वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया।